This is the second video of the chapter National Festivals. Students, in the first video, we know about our national festivals. Religious festivals. There are various religious festivals that are celebrated across the country. हमारे यहाँ बहुत ढेर सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं जो कि पूरी कंट्री में सेलिब्रेट किए जाते हैं जैसे कि दिवाली दशहरा होली ईद एंड क्रिसमस फर्स्ट दिवाली दिवाली फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड इट इज द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदूज दिवाली फेस्टिवल को हम लोग फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के नाम से भी जानते हैं और ये हिंदुओं हिंदुओं का बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल भी माना जाता है दे बिलीव दैट ऑन दिस डे लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर द एग्जाइल ऑफ फोर्टीन ईयर्स वो बिलीव करते हैं कि लॉर्ड रामा उस दिन अयोध्या वापस आए थे चौदह साल के बनवास के बाद लॉर्ड गणेशा एंड गॉडेस लक्ष्मी आर वर्शिप्ड एट नाइट ऑन दिस डे पीपल एक्सचेंज स्वीट्स एंड चिल्ड्रेन फायर क्रैकर उस दिन लोग मिठाई मिठाइयाँ खरीदते हैं और चिल्ड्रंस फायर क्रैकर्स जलाते हैं सेकेंड दशहरा दशहरा इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल दिस फेस्टिवल गोज ऑन फॉर टेन डेज फेयर्स आर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग दीज टेन डेज ऑन द टेंथ डे इफिगीज ऑफ रावन मेघनाद एंड कुंभकर्ण आर बर्ड उस दिन अलग अलग जगहों पर मेले लगते हैं और लास्ट डे मीन्स टेंथ डे रावण मेघनाद और कुंभकर्ण को जलाया जाता है इन वेस्ट बंगाल दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में दशहरा को दुर्गा पूजा के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है नेक्स्ट होली होली फॉल्स इन द मंथ ऑफ मार्च होली को मार्च के महीने में मनाया जाता है इट इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स ये फेस्टिवल ऑफ कलर्स के नाम से जाना जाता है बॉन फायर्स आर लिट ऑन द ईव ऑफ द फेस्टिवल इट इज नोन एज होलिका दहन पीपल सेलिब्रेट होली बाय थ्रोइंग कलर्ड पाउडर एंड कलर्ड वाटर ऑन ईच अदर पीपल होली को सेलिब्रेट करते हैं एक दूसरे के ऊपर कलर पाउडर और कलर्ड वाटर फेंक के होली मार्क्स द एंड ऑफ विंटर एंड इज द टाइम वेन क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग में सेलिब्रेट किया जाता है और ये वो टाइम होता है जब वीट क्रॉप कटने के लिए रेडी हो जाते हैं जब गेहूं की कटाई होने वाली रहती है नेक्स्ट मैरी क्रिसमस क्रिसमस फॉल्स ऑन द फिफ्टींथ ऑफ दिसंबर एवरी ईयर क्रिसमस को हम लोग फिफ्टींथ दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट करते हैं क्रिश्चियंस सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ लॉर्ड जीजस क्राइस्ट ऑन फिफ्टीन दिसंबर क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है लॉर्ड जीजस क्राइस्ट के बर्थडे के दिन स्पेशल सॉन्ग नोन एज कैरोल सॉन्ग होता है क्रिस्टियंस डेकोरेट द क्रिसमस ट्री विद स्टार्स टिंसल बॉल्स एक्सेट्रा उस दिन क्रिश्चियंस क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं स्टार्स टिंसल बॉल्स एटसेट्रा से दे बेक स्पेशल केक्स एंड प्रिपेयर अदर डिलीशियस डिशेस उस दिन क्रिस्टियन स्पेशल केक्स और स्पेशल डिलीशियस को बनाते हैं सेंट अक्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट फॉर द चिल्ड्रेन उस दिन सेंट अक्लॉज बच्चों के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाते हैं ईस्टर इज अनदर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस ईस्टर एक और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है क्रिश्चियंस का दे बिलीव दीजस क्राइस्ट केम बैक टू लाइफ ऑन दिस डे आफ्टर बीइंग क्रूसिफाइड ऑन गुड फ्राइडे द पैरस इन आवर कंट्री सेलिब्रेट्स नवरोज देन ईद

a special sweet dish called semiya is prepared in every home एक स्पेशल स्वीट डिश सेवैया जो कि हर घर में बनाया जाता है the harvest festivals are celebrated in our country हमारे यहाँ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किया जाता है harvest is the time when crops are ready for cutting and gathering हार्वेस्ट फेस्टिवल उस टाइम सेलिब्रेट किया जाता है जब हमारे जो क्रॉप्स हैं वो कटने के लिए रेडी हो जाते हैं इट इज टाइम फॉर सेलिब्रेशन एज फार्मर्स आर हैप्पी दैट दे देयर हार्ड वर्क जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ जो किसान्स हैं वो लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं क्रॉप्स के लिए और वो टाइम उनके सेलिब्रेशन का होता है जब वो बहुत हैप्पी होते हैं कि उनके इतने हार्डवर्क के बाद उनको फ्रूट्स मिल गए हैं फ्रूट्स एंड क्रॉप डिफरेंट हारवेस्ट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट स्टेट ऑफ आवर कंट्री डिफरेंट हारवेस्ट से फेस्टिवल्स होते हैं जो कि हमारे अलग अलग स्टेट्स में सेलिब्रेट किए जाते हैं